आज जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है इसके बारे में आप क्या कहेंगे, सीएनआरसी और बिहार? मैं तो बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। ये सरकार निकम्मी है। ये राइट फ्रॉम द बिगनिंग से जब से ये सरकार बनी है, इनके पास अरेंजमेंट ही नहीं, मैनेजमेंट भी नहीं कि कैसे सरकार चलाई जाती है। सरकार चलाने का तरीका होता, इनका सरकार चलाने का तरीका नहीं। ये एक तरह का सरकार किया जो ये हमें मॉडल दिखाया था, कहाँ का? गुजरात का। गुजरात में इन्होंने कुछ नहीं किया, गुजरात का मॉडल दिखा के ये बेवकूफ़ बनाया पहले हिंदुस्तानी को। और गुजरात में जो दंगा करवाया था 2002 में, हाँ, वही दंगा ये पूरे, सिर्फ इसने ये नहीं चाहा कि सिर्फ एक जगह हो, ये पूरे देश में दंगा हो जाए, वो करवा के ये सबको उसमें उलझा दिया था। इसका मेन मकसद है कि हिंदू मुसलमान आपस में उलझ जाएं और हम इस पर रोटी सेकते रहें, जो इनकी रोटी सेकी गई। अब गुजरात ख़त्म हो गया, हिंदुस्तान भी ख़त्म हो गया, इनका GDP इतना डाउन हो गया कि आज हमें शर्म से हमें बाहर में फॉरेन में हम इसको अपना मुंह नहीं दिखाने के लायक हैं। बांग्लादेश भी नहीं, बांग्लादेश। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ इनके मामले में, ये RSS के पिट्ठू हैं, ये RSS के पिट्ठू हैं। RSS 1925 में बना, उसके थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो भी तो संविधान में बैठे थे, उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस वक्त कांग्रेस ने बिठाया था कि आप बैठो, लेकिन इन्होंने उस वक्त इन्हें संविधान में नहीं लगा कि कुछ गड़बड़ी है, आज उन्हें संविधान में लग रहा है कि बहुत सारी गड़बड़ी है। ये गोलवड़कर, ये सावरकर, ये सब देश के दुश्मन, अंग्रेज़ों के पिट्ठू। आज अंग्रेज की लड़ाई जो है, हम हिंदुस्तानियों को लड़ना पड़ रहा अंग्रेज के अगेंस्ट में। अंग्रेज दूसरा अंग्रेज नहीं, एक तो गोरा था, ये काला अंग्रेज है ये, और ये देश को काली, जिसे कोयला कहते हैं ना, कोयले के खान में डाल दिया, लेकिन इन्हें ये पता नहीं कि कोयले के खान में भी हीरा निकलता है। हम लोग हीरा हैं, ये सारे जो पब्लिक हैं ये सब हीरा है, और ये हीरा को अगर मुंह में ले लिया ना तो साफ हो गया, और इसकी पूरी सल्तनत ख़त्म हो चुकी है। सिर्फ दो चीज़ बची हुई है कि हम जो भाईचारे में हम नहीं हैं, हमारा भाईचारा हो जाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्धिस्ट जितने हैं ये साथ हो जाए तो ये फिर देश में नहीं रहेगा। और मेरा यही मकसद है कि हम लोग सब शांति प्रिय आदमी हैं, हमें खामोशी से रहने दो, हमें जीने दो, और आप भी जियो। अगर हमें थोड़ा सा भी उसकाओगे तो पूरी दुनिया में चिंगारी हो जाएगी और फिर तुम उसमें भी झुलस के रह जाओगे। तो ये सरकार बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है और मैं तो इसका सारे का बॉयकॉट करता हूँ। NPR, NRC, CAA, नॉट CAB, CAA। और साथ में मैं उन लोगों से कहता हूँ जो ऊँचे ऊँचे पोस्ट पे बैठे हुए हैं, चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हों, प्रेसिडेंट हों, होम मिनिस्टर हों, इन्हें साइन करने से, किसी भी इस पे हस्ताक्षर करने से पहले सोचना चाहिए कि ये जो इसका इस पे हम हस्ताक्षर कर रहे हैं तो ये आवाज़ कहाँ जाकर उठेगी है? तो ये सब चीज़ें, ये पढ़े लिखे नहीं हैं, इनमें कोई पढ़ा लिखा है नहीं, सब जाहिल है, जाहिल की टोली है, और ये बर्बाद करके देश को रख दिया। देश का इकोनॉमी कितना हो गया, रोटी कपड़ा मकान चाहिए था बेसिक, वो ख़त्म हो गया। अब क्या चाहिए हमें, क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए अपनी लड़ाई लड़ने, कब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे? जितने जो गरीब हैं वो क्या कर रहे हैं, हाँ, लड़ाई में लड़ रहे हैं, उनके घर का खाना कौन देख रहा है? ये देख रहा है मोदी या अमित शाह देख रहा है? ये होम मिनिस्टर के तो लायक था ही नहीं, ये तो भगोड़ा है, आपको पता है, तरी पार है, हाँ। और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी, उन्होंने इतनी बड़ा बड़ा कांड किया बचपन में, अगर आप देखो जाके तो अखबार में उसी में निकला हुआ कि ये अपनी माँ का जेवर चुरा कर भाग गया था, ये उसके बाद ये आज यहाँ पे पहुँचा है। तो इसको RSS का समर्थन है और RSS देश का बंटवारा चाहती है, जैसे जिस तरह पाकिस्तान बटा, वो तो जिन्ना भी कमीना था, एक नंबर कमीना था, जिसने देश को बर्बाद करके चला गया, देश को बर्बाद करके चला गया। वो पारसी था, उसे पता भी नहीं था कि मस्जिद में जूता पहन कर नहीं जाता, जामा मस्जिद के मस्जिद में जूता पहन कर चला गया था। तो एक चीज़ है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये लोग जो पॉलिटिशियन हैं, ये जो पॉलिटिक्स हैं, ये जो पॉलिटिशियन है, उन्होंने एक ऐसी चीज़ बना दी है, NRC जो ऐसी चीज़ बना दी है जिससे हम लोगों को डिवाइड कर दिया, हमारे देश को डिवाइड कर दिया। सब बातों का निचोड़ कुल मिलाकर यह है कि अब तक जब से ये सत्ता में आए हैं, इन्होंने जो भी किया है उसकी सब नाकामियां, जो भी सबके सामने है, किसी से कुछ छुपा नहीं है, उस सबको ढाकने के लिए देश में ऐसे सगुफे छोड़ो, ऐसे वावेला मचाने के कि पब्लिक अपने ही धुन में रम जाए, हमारी तरफ कोई ध्यान न दे, ये है असल मकसद। बाकी इन्हें देश से कोई लेना देना नहीं, बाकी सब जानते हैं इस बात को
कि अगर ये देश का विकास, देश की उस बात के ऊपर ध्यान देते ना, तो ये काम करते। ये काम तो किया नहीं है, सारी चीज़ें सबके सामने हैं। इस हर आदमी इस बात को खुद सोच सकता है, इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। उन नाकामियों को छुपाने के लिए लोगों को उलझनों में डाल रहे हैं, ये है असल मकसद।